जनपद संभल की चंदोसी में विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग ने अपने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसी के तहत जनपद संभल की चंदोसी में भी इस योजना का शुभारंभ हो चुका है। इसके तहत कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एवं प्राइवेट संस्थाओं का नवम्बर 2020 तक का सर्च चार्ज पूर्णतः माफ रहेगा। इस विषय में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता इंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि सरकार ने इस कोरोना काल में संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्राइवेट संस्थाओं के सर्च चार्ज में छूट का लाभ देते हुए कोविड 19 एक मुक्त समाधान योजना शुरू की है। कोविड 19 एक मुक्त समाधान क्या मामला है, क्या योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता दिखलाते हुए जो लोग इस संकट काल में हमारा जो राजस्व नहीं आ पा रहा था और लोगों की जो वित्तीय संकट है उसको देखते हुए इसमें ब्याज माफ़ी के लिए मुख्यतः कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और जो स्वयं संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनके ब्याज में माफ़ी के लिए एक योजना लाई है। उसका नाम उन्होंने कोविड 19 एक समाधान योजना रखा है। इसमें नवंबर 2020 तक के बकाए बिलों में जो भी सरचार्ज है वो पूरी तरह माफ़ रहेगा। इसके रजिस्ट्रेशन की पद्धति ये है कि इसमें आप अपना पुराने बिल लेके जाएं और हमारे काउंटर पे वो बता देंगे कि आपके ब्याज के अलावा जो पैसा है उस राशि का 30% पहले जमा करना होगा और शेष राशि जो है वो एक साथ 28 फरवरी के पहले जमा करना होगा। अगर 28 फरवरी तक ये राशि नहीं जमा होती तो फिर वो स्कीम में फॉरफिट हो जाएंगे और ब्याज उनके फिर से जुड़ जाएगा उनके बकाए में। तो हमारा ये अनुरोध है हमारे संभल जनपद के समस्त उपभोक्ताओं, विद्युत उपभोक्ताओं से जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल या व्यक्तिगत संस्थान चला रहे हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट या नर्सिंग होम हैं, वो अपने बकाए बिल इस सुविधा का लाभ उठाकर जमा कर सकते हैं और ये सुविधा आपके लिए है। अभी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेगा और अभी तक हमारे पूरे मंडल में, जनपद में करीब 100 उपभोक्ताओं ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो आप सबसे अपील है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए जिससे कि ये आपके ब्याज माफ़ी जो सरकार आपके हित में लाई है उसका आप पूरा उपयोग कर सकें। धन्यवाद।